हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में विंटर के एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पैंजी के बारे में बात करूंगी। पैंजी विंटर में खिलने वाला प्लांट है। इसके फ्लावर्स बटरफ्लाई के जैसे दिखते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स नर्सरी पर आते हैं। इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के शुरू तक होता है। देखिए मेरे गार्डन में ये सारे कलर्स हैं। आज हम इसके पॉट के साइज, इसके सॉइल मिक्स, इसके लोकेशन और इसके वाटरिंग के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा प्लांट पूरे विंटर खूब अच्छे से चले, हमें पॉट भर भर के फूल दे। तो सबसे पहले जब हम इसे नर्सरी से लेकर आएं, तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। पैंजी को बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत कम रूट होती है। हम इसे प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं। 7-8 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी है। पैंजी को बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये इसमें खूब अच्छे से ग्रो करता है। हम इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। ये हमारे गार्डन को बहुत अच्छा लुक देता है। सॉइल मिक्स की बात करें तो इसे बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल मिक्स दें। अगर पानी जल्दी से पॉट से ना निकलेगा तो इसकी रूट बहुत पतली पतली महीन धागे के जैसी होती है, जो कि जल्दी से ख़राब हो जाएगी और हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हमें मिट्टी में सैंड, राइस हस्क, गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं, जिससे इसकी मिट्टी बिल्कुल हल्की बने और इसमें आधा चम्मच फंगीसाइड भी डालें। 3-4 दिन तक इसे सिर्फ सेमी शेड में रखें। इसके बाद इन्हें धूप में रखें। दिसंबर जनवरी में इन्हें पूरे दिन की धूप दें, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आ जाए तो आप इस प्लांट को सुबह के सिर्फ 3-4 घंटे की ही धूप दें, क्योंकि ये विंटर प्लांट है। अगर हम इसे फरवरी मार्च के पूरे दिन की धूप देंगे तो प्लांट की पत्तियां झुलसने लगेंगी। पानी की बात करें तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। वाटरिंग तभी करें जब ऊपर की मिट्टी हमें सूखी दिखे, क्योंकि अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट की रूट गल जाएगी और प्लांट हमारा ख़राब भी हो सकता है। अब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इन विंटर प्लांट्स का ग्रोइंग सीजन बहुत कम होता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र डालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ, जिसको बनाने के लिए मैं 50 ग्राम सरसों की खली, 25 ग्राम नीम की खली और 100 ग्राम गाय के गोबर की खाद को 3-4 दिन तक पानी में भिगो देती हूँ। चौथे या पांचवें दिन मैं इसे 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करके अपने पैंजी और सभी विंटर प्लांट में दे देती हूँ। ये देखिए मेरे प्लांट कितने हेल्दी हैं। आप इसे हर 15 दिन में दे सकते हैं। इसके फ्लावर्स कई दिनों तक खिले रहते हैं, लेकिन जैसे ही इसके फ्लावर खिलकर मुरझाना शुरू करें हमें उन्हें तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये इसमें सीड बनाने लगते हैं और जब प्लांट सीड बनाने लगेगा तो फ्लावरिंग कम करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी बराबर डेड हेडिंग करते रहें। और पेस्ट की बात करें तो आज तक मैंने इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है, लेकिन ओवर वाटरिंग से इसमें फंगस लगने का डर होता है, इसलिए हर 15 दिन में इसकी पत्तियों पर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंगीसाइड डालकर स्प्रे ज़रूर करें। तो इस तरह से आप अपने पैंजी प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। हैप्पी गार्डनिंग।